वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक JCC पे। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो, आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में बैज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो बैज आपको मिलेगा कंपोनेंट के बीच में, कंपोनेंट के बीच में क्या मिलेगा आपको, बैज मिलेगा। ठीक है, तो बैज पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपने उस पेज वाला पेज ओपन हो जाना है। ठीक है, बैज क्या चीज़ है, जे वाला बैज बना हुआ है, इसका क्या बोलते हैं, बैच BADG बैच। ठीक है, तो इसको आपने स्पैम नहीं लिखना है, आप डिब्बे में लिख सकते हो। चलो इसको, इसके प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, जहाँ से प्रोग्राम को किया कॉपी, तो कॉपी करके हम ले आए अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसके बाद तो ये देखो, ये हमारा है। तो स्पैन क्लास कौन सी यूज़ करनी है, बैच ये वाला कलर है, बीजी कंट्री कंट्री कंट्री। ठीक है, ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, ये वाला ये H1 टैग, H2 H3 ये वाला, ये H1 H2 ये हमारा बैच बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी लिखोगे आप, न्यू लिख रहे हो, जावा लिख रहे हो, PHP लिख रहे हो, .NET लिख रहे हो, C# लिख रहे हो, HTML लिख रहे हो, CSS कुछ भी लिख सकते हो इसकी बैच में। ठीक है, तो बाद उसमें बैच बनाने के लिए क्लास कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, बैच पास, उसको जो भी कलर देना है, बीजी कंट्री जो भी आपने स्पैन लिखा है, आप यहाँ पे डिव भी लिख सकते हो। ठीक है, डिव लगा के भी हम करके देख लेते हैं। मैं कर रहा हूँ Ctrl H। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी स्पैन लिखे हैं सभी में डिव लिख दो। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दो। तो क्लोज़ किया मैंने इसको, जे हो गया, देखो डिब में लगा, अब स्पैन में आ गया, सॉरी स्पैन में था, अब डिब में हो गया। तो अभी हम इसको रीलोड करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्रोग्राम में, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या वापस स्पैन में लिख देना, स्पैन में इस करके लिखा जाता है कि स्पैन इन लाइन होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, स्पैन लिख रहे हैं, तो रीलोड कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अगर हमने जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता ना ऐसे, अगर ऐसा बनाना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बैच। ठीक है, इसको मैंने क्या किया कॉपी, यहाँ से कॉपी किया, तो हम अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सभी प्रोग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, तो अभी इसको रीलोड करते हैं, तो रीलोड करते हैं हम, ये देखो। ठीक, तो इसको क्या किया मैंने, रीलोड किया, तो ये देखो बस हम पहले बटन बनाया हमने, बटन में क्लास बटन प्राइमरी, उसके बाद जो लिखना नोटिफिकेशन उसमें स्पैन में लिख दिया बैज और टेक्स्ट बीजिस कंट्री, मतलब कलर दे दिया उसको। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, तो जहाँ पे बैकग्राउंड कब्स कंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद उसके हमने ये लिख दिया 4। ठीक है, ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट नहीं भी लिखना चाहते तो भी चल जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये देखो सेकेंडरी में आ रहा है, तो इस वजह से हम बटन में भी बैज यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे किसी कोई मेल्स आती है, नोटिफिकेशन आती है, वैसे कर सकते हो। ठीक है, बटन हमने लिया, टाइप बटन लास्ट यूज़ की, नोटिफिकेशन लिख दिया, नोटिफिकेशन की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट हो वो लिख सकते हो। ठीक है, स्पैन क्लास बैच बस और कुछ नहीं। उसके बाद तो हमने अगर ऐसे नोटिफिकेशन लिखना तो ऐसे प्रोग्राम कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके इसको रन कर लेना है, तो बस यही है। अगर हमने पिल जय क्या लिखा है, जिस पेन यूज़ की है, तो इसको भी देखते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, तो कॉपी किया मैंने इसको, तो अभी अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है इसमें। तो अभी इसको क्या किया, पेस्ट हमने किया, सेव किया हमने, तो अभी रीलोड करते हैं इसको, तो ये देखो सब कुछ, हाँ स्पैन से। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल स्पैन लिख दिया, स्पैन बैच बस कलर लिख दिए। ठीक है, हमारा नॉर्मल डाटा का, मतलब ऐसे आप बैच बना सकते हो। ठीक है, कोई सीधे भी बना सकते हो, जी देखो। ठीक है, बटन के बीच भी बना सकते हो, डायरेक्ट ये डायरेक्ट बनाया इसने। ठीक है, स्पैन यूज़ करके कोई बैच, अगर एंकर टैग में यूज़ करना चाहते हो एंकर टैग में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करता हूँ, सपोज करो। ठीक है, तो एंकर टैग यूज़ करके देखते हैं, मैंने एंकर HREF एंकर टैग, तो इसको हमने हैश दे दिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्लास क्लास कौन सी यूज़ की, बटन, क्योंकि बटन ही होता है ये वाला, BTN। ठीक है, उसके बाद BTN
आप सक्सेस कोई भी जो भी कलर देना चाहते हैं उसको, ठीक है, सक्सेस और उसकी क्लास बैच बैच यूज़ करते हैं। तो 1 मिनट और, ठीक है ठीक है। तो हमने कैसे एंकर टैग बनाया देख लेते हैं। हमने सिर्फ सबसे पहले जो इसमें स्पेस नहीं डालनी, ठीक है, ए और टैग के बीच में, ठीक है। उसके बाद जे एच आर एफ क्लास यूज़ कर ली बटन की, तो इनबॉक्स लिख दिया और उसमें स्पैन में लिख दिया जी हमने, क्या बना लिया, बैच बना लिया, स्पैन क्लास बैच बैच डेंजर, ठीक है। उसको बंद कर दिया, एंकर टैग क्लोज किया, ठीक है। जैसे हमारा इनबॉक्स का बटन बनता है हम वैसे ही बना लिया जी, देखो ठीक है, उसमें 5 मेल्स आ चुकी हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह आप एंकर टैग के साथ भी बैच को यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो जे हमारे बैच का था, जे पिल्स होंगे बैच, जब भी इस तरह को कॉपी पेस्ट करके देख लेना, हो जाएगा आपका। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो सिंपली होगा, कुछ खास नहीं, ठीक। तो मैंने इसको किया डिलीट, तो इसमें को किया पेस्ट, सेव किया मैंने इसको। तो अभी इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। तो जे पिल्स जो राउंड हमारे जे आ रहे हैं राउंडेड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, राउंडेड आ रहे हैं, ठीक है। तो जे क्या होती हैं, पिल्स होती हैं, जो उसके जो कॉर्नर होते हैं वो राउंडेड होते हैं, किसकी वजह से, पिल्स की वजह से, स्पैन राउंडेड पिल, ठीक है। तो जे हमारा बैच था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।